स्वागत है आप लोग का बहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका बी कॉम सेमेस्टर वन, जो कि 2023 से 27 के लिए, और आगे भी अपना सेमेस्टर वन का फिक्स कर लीजिए भाई। आपका मैनेजमेंट जो है बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, अब जो है पहले एमसीक्यू होता था 100 मार्क्स का, लेकिन अब जो है न्यू कोर्स आ चुका है, ठीक है। आपका जो बी कॉम का है न्यू कोर्स आ चुका है ग्रेजुएशन का। अब नाउ जो आपका क्या होगा, थ्योरी में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो हम थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। एमसीक्यू का बहुत सारा डाला हुआ है हमारे चैनल पर, बट अब न्यू कोर्स आ गया है तो थ्योरी क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज क्वेश्चन वन धीरे धीरे करके मैं हर क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना। दीज क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करना है इंग्लिश मीडियम में, देन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम के लिए ये क्लास है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए सेमेस्टर वन का, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है कि भाई मैनेजमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्राइब करो, एंड डिस्कस करो इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, 5 मार्क्स के लिए हो सकता है, 5 मार्क्स के लिए पूछ लेगा। तो आपको इसका आंसर देना है कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। आइए हम डिफिनीशन आपको दिखाते हैं। हाँ, तो मैंने नोट्स ये बना रखे हैं, इस सब आपको लिख लेना है, जो जो मैं लिखाऊंगा। क्वेश्चन लिख लिया ना, क्वेश्चन नोट किया ना। हाँ देखिए, लिखिए, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटरप्राइजिंग रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ईजी लैंग्वेज मैं आपको दे रहा हूँ, वेरी ईजी लैंग्वेज, एकदम जूम कर दिया हूँ, मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सर मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, व्हाट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इंटरप्राइज के जो रिसोर्स है ना, उसको क्या करना है, अपने को प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है एंड कंट्रोलिंग करना है। किस चीज़ को, इंटरप्राइज के रिसोर्स को, किस लिए, फॉर अ पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया उसे अचीव कर सके। समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात? तो भैया मैनेजमेंट का डिफिनेशन आपको क्लियर है। लेट्स मूव करते हैं अब इम्पोर्टेंस के लिए। सर मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। जो अपन का ऑब्जेक्टिव, अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो बिजनेस ने जो गोल बनाए हैं कि भाई प्रॉफिट अपने को अचीव करने का, तो जो गोल इसका है उसे अचीव करो। आइए पढ़ते हैं। वन ऑफ द कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू डिफाइन इन एडवांस एज व्हाट इट वांट टू अचीव। अरे कंपनी जो आपने बनाया है, तो आपका जो गोल है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, इट इंक्लूड डिसीजन इन एडवांस, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन। वंस दिस लेट डाउन, नेक्स्ट इफर्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी इंश्योर दैट दीज आर टू बी अचीव। मैनेजमेंट स्पेसिफाई पॉलिसीज, उसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, पॉलिसी, उस चीज़ को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है, प्रोसीड्यूर एंड मेथड लगाता है, समझ रहे हो ना। Providing effectiveness to human effort, management provide leadership and guidance to the worker. Management क्या करता है, guide करता है अपने worker को, lead करता है, leadership. It also motivate करता है their work with help of various incentive scheme. बहुत सारे incentive scheme का मतलब क्या हुआ सर, हो सकता है उन्हें bonus देगा, उन्हें जो extra work करेगा उसके लिए उन्हें pay करेगा, तो ये सब क्या हुआ, incentives हो गए। तो management क्या करता है, management का ये important feature है भाई। management हमारे लिए क्यों important है, क्यों, क्योंकि भाई management leadership provide करता है और guidance देता है अपने workers को, और motivate करता है, किस लिए सर motivate करता है, मोटिवेट देयर वर्क, ताकि वो अच्छे से काम करें, उन्हें मोटिवेट करता है, उन्हें गाइड करते रहता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटेंसिव स्कीम। बहुत सारे स्कीम है, उनको जो है वो सब स्कीम का लाभ मिलता है। स्कीम कैसे सर, बोनस देता है, एक्स्ट्रा वेजेस देता है सर, एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा देता है, जस्ट लाइक दैट इनाम देता है उन्हें, ठीक है। जो जो देखिए ये पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट आपको याद हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट भी याद हो जाएगा। जो जो पॉइंट ईजी है मैं वही बता रहा हूँ, चिंता नहीं करना। हाँ आइए ये वाला पॉइंट अपन देखेंगे, ठीक है, जो ईजी पॉइंट है मैं आपको वही समझाऊंगा, ताकि आपको भी ईजी लर्न हो जाए। इकोनॉमिक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन डजंट नेसेसरी डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, देयरफॉर मैनेजमेंट हेल्प करता है
स्टेबल एंड स्टेबल ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प करता है। एंड इफिशियंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स इज द क्रिटिकल फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो भैया मेन आपका फोकस यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो नेशन का है डजेंट डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है कि स्टेबल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। आइए अब मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है भाई जनरेट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। सही बात है भाई, मैनेजमेंट क्या करता है, जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है बाय सेटिंग न्यू बिजनेस। अब जॉब कैसे देंगे, नया नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, न्यू न्यू बिजनेस जब हम खोलेंगे तो लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आइए और काम कीजिए। बाय एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस का मतलब जो बिजनेस चल रहा है उसको हम क्या करिए, एक्सपेंड किए, एक और बिजनेस खोल लिए। तो भैया बिजनेस एक्सपेंड होते जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट, लोग की जरूरत पड़ेगी, लोग आएंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगा। मैनेजर हेल्प करता है वर्किंग फोर्स बाय गेटिंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस आउट ऑफ देयर वर्क। समझ में आ गया, ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद हो जाएगा। देखिए मैनेजर क्या चाहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो बट कॉस्ट मिनिमम हो, उसके लिए भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए लोग प्लानिंग करते हैं, जो भी होगा उसके लिए इन लोग डिसीजन लिया जाता है कि हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट बट प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाए। समझ में आया ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, टुडे मैनेजमेंट हैज बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सही बात है, टुडे मैनेजमेंट बिकम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प्स इन मेकिंग यूज ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक मटेरियल, मशीन, मैन पावर, मनी। तो इतना तक आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, कलम और कॉपी लेके बैठिए और नोट कर लीजिए। आपका लेक्चर ले रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना, तो आप लोग हर लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और नोट कीजिएगा। मैनेजमेंट हेल्प इंक्रीजिंग कंपटीशन। सही बात है भाई, आज के डेट में कंपटीशन, मैनेजमेंट जो क्या करता है, इंक्रीज करता है कंपटीशन को। नाउ ए डे लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन डिफरेंस प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज के डेट में प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बहुत कंपटीशन है। फॉर इफेक्टिव एंड हेल्दी कंपटीशन मैनेजमेंट जरूरी है। समझ ना, हेल्दी एंड इफेक्टिव कंपटीशन के लिए मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ नेशन, आज मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट प्ले ए वर्चुअल रोल एंड क्रिटिकल रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी। समझ रहे हो ना, तो डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी में भी मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड अवेलेबल रिसोर्स। तो कैसे होगा भाई, मैनेजमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अवेलेबल रिसोर्स। मैनेजमेंट क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ कंपनी को डेवलप करेगा। कैसे करेगा सर, मैनेजमेंट इंक्रीज करेगा नेशनल इनकम। वाह भाई वाह, नेशनल इनकम को डेवलप इंक्रीज करेगा एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बाय प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम एट मिनिमम कॉस्ट। ऊपर मैंने बता दिया कि मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे जिससे पर कैपिटल इनकम जो है कंपनी का बढ़ेगा, ठीक है ना। आज इंडिया डेवलप नेशन है, उसके लिए कौन, हमारी कंपनी भी तो इंडिया में बड़ी से बड़ी कंपनी है, समझ रहे ना, टाटा, बिरला, रिलायंस, तो दीज आर वेरी हेल्प कर रहे हैं ना डेवलप द नेशन को डेवलप करने में बाय इंक्रीजिंग व्हाट, नेशनल इनकम। समझ रहे हो ना, बाय इंक्रीजिंग व्हाट, नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, ठीक है। एंड और मैनेजमेंट जो है ना बेनिफिशियल है बोथ बिजनेस एंड सोसाइटी के लिए। मैनेजमेंट ब्रिंग कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक कल्चर एंड सोशल कंसेशन, कन्फ्लिक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लॉन्ग टर्म, ठीक है, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट जो है मैनेजमेंट क्या करता है सर, मैनेजमेंट जो है टूल्स एंड टेक्निक यूज करता है जो कि डिफिकल्ट टास्क को भी ईजी कर देते हैं। वाह सर, मैनेजमेंट क्या करता है, टूल्स एंड टेक्निक को यूज करता है जिससे क्या होता है, डिफिकल्ट जो टास्क है वो ईजियर हो जाता है, अनप्रॉफिटेबल जॉब्स जो हैं वो मोर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। समझ में, जिसमें प्रॉफिट नहीं है उसमें ही प्रॉफिट आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हरा लाइन लिख लीजिएगा, बाय मेकिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्स को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें येल्लो पॉइंट मत लिखिएगा, जो ग्रीन पॉइंट है ना मैंने बताया वो पॉइंट आपको पूरा नोट कर लेना है। समझ में ना, कलरफुल नोट्स दे रहा हूँ भाई, नोट करना ये मत सोचिएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, पूछेगा ही पूछेगा, मैनेजमेंट का क्वेश्चन और व्हाट इज मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनेजमेंट नहीं पूछे तो फिर क्या पूछेगा, 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। 5-6 पॉइंट बता दिया हूँ, इजी पॉइंट सब देख लेना, ठीक है। तो भाई एक ये वाला हो गया आपका, एक पॉइंट क्लियर हुआ ना, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ नेशन, तीसरा हेल्प्स इंक्रीजिंग कंपटीशन, चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, पांचवा मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, छठा जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को, एंड सातवां मैंने क्या बताया था यहाँ पर,
क्रिटिकल इंटेलिजेंस नेशनल ग्रोथ, आठवां इफेक्टिवनेस टू ह्यूमन रिसोर्स हेल्प टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव, इतना बता दिया। इसमें पांच याद नहीं होगा क्या, हो जाएगा। और सबसे ईजी मैंने आपको ये बता दिया कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, एकदम बस इतना ही लिख दोगे तो नंबर वाह वाह हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट के बारे में कुछ ऑथर लोग जो है हमारे कुछ लोगों ने कहा है, जैसे लॉरेंस सेप्लाई ने कहा कि मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। सही बात है, मैनेजमेंट कैसे होता है, कुछ लोग एफर्ट करते हैं तभी तो मैनेजमेंट होता है ना भाई। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। ये तीन पॉइंट समझ गए ना, याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों याद हो जाएगा। और मैनेजमेंट का डिफाइन बता दिया और सिग्निफिकेंस बता दी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। ये नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बट नोट्स जो है आप बुक कॉपी में कलम से लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा लेक्चर, हाँ सेमेस्टर वन का क्लास स्टार्ट हो चुका है, वैभव कॉमर्स क्लास में अपने दोस्तों को ही बताइए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।